नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के कमेंट आए कि आपने जो है PW ओनली IAS से पढ़ा हुआ है, जिसको आप भली भांति फिजिक्स वाला के नाम से जानते हो, तो क्यों ना उसका जो है रिव्यू किया जाए। और जो जैसे मार्केट में और सारे भी जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे बिजन IAS, वाजीराम एंड रवि, दृष्टि IAS एंड रे IAS, जो अवध ओझा सर का है, हालांकि उन्होंने अभी कल में देख रहा था, उन्होंने कुछ और खोल लिया है, और एक जो है मणिकांत सर का है, और द स्टडी IAS, और एक जो है राजेश मिश्रा सर का है। ऐसे जो है हिंदुस्तान में जितनी जॉब नहीं होती हैं IAS की, उतने से ज़्यादा जो है इस देश में इंस्टीट्यूट हैं IAS बनाने के, और लगभग सभी जो है अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि मैंने जो है इतने सिलेक्शन किया है, और जो है और क्या इसकी रियलिटी है, क्या वाकई में जो है सारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं। तो चलिए जिससे मैंने पढ़ा हुआ है उसके बारे में बताते हैं, और सबका जो है बिल्कुल जो सच्चाई है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ किसी के पैड प्रमोशन या कोई जो है इस वीडियो का कोई प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है जहाँ पे मैं किसी का सपोर्ट करूँगा। लेकिन आज जो भी बोलूँगा ईमानदारी से बोलूँगा, ये समझ के बोलूँगा कि आप भी मेरी तरीके से एक जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और आपने भी ये सोच रखा है, तो मैं आपको एक अच्छी ही सलाह दूँ। और सलाह क्या, बल्कि मैं आपको बताऊँगा सच्चाई, आपको जैसी अच्छी लगे वो आप मान लीजिए, सलाह क्यों माननी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने PW Only IAS से नवंबर 2022 में, जब PW Only IAS जब फिजिक्स वाला का पहला बैच UPSC का लॉन्च हुआ था, संकल्प 1.0, मैं उसका स्टूडेंट हूं, और बैच का ख़त्म हुए काफ़ी समय हो चुका है, मैं भी जो ख़त्म हो चुका हूं, और जो है काफ़ी समय हो चुका है बैच को ख़त्म हुए। तो मैंने क्या पाया उस बैच में, और क्या जो है आपको PW का बैच लेना चाहिए, या आपको बिजन या अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाना चाहिए, क्या सच्चाई है, बिल्कुल एकदम जो है बिना किसी बकवास के, बिना किसी प्रमोशन के बताऊंगा। तो PW Only IAS का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी जो है मॉडरेट रहा है, ना ही मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा रहा है, ना ही मैं कह सकता हूँ बहुत ही बुरा रहा है। अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के तौर पर देखूँ, तो मेरे पास 2 लाख 3 लाख 1.25 लाख ये इतना पैसा अफोर्ड करने का मेरे पास है नहीं बस की। और जो बैचेस होते हैं, जैसे जो भी PW के बैचेस होते हैं या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, उसमें एक शब्द लगा होता है फाउंडेशन बैच। सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए, फाउंडेशन बैच का ये मतलब नहीं होता है कि आपको जो है पूरा एकदम एडवांस लेवल तक का पढ़ाया जाएगा, उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका हम फाउंडेशन स्ट्रांग कर देंगे, उसके बाद अगर आप कोई भी किताब पढ़ोगे जा करके तो आपको समझ आने लगेगी, और आप जो है उसके बाद सेल्फ स्टडी करके आप जो है अपने नैया को पार लगा सकते हो। जबकि कई सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सिलेबस नहीं ख़त्म कराया, ये नहीं ख़त्म कराया, उनका काम है आपका फाउंडेशन तैयार कर देना, उसके बाद जो है आप अपनी सेल्फ स्टडी, जो कि किसी भी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जो है आपको अधिकारी नहीं बना सकती, आपको IAS नहीं बना सकती, आपको बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ स्टडी। आप खुद से ही आपको प्रयास करना पड़ेगा, भरसक प्रयास करना पड़ेगा। सिर्फ इंस्टीट्यूट जो है आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, मेहनत टोटल आपको ही करनी है। कोई भी जो है आप जितना भी बड़े से बड़ा अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाइए, अल्टीमेटली जो करना पड़ेगा वो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही अपने हाथ पैरों को जो है तकलीफ देनी पड़ेगी, आपको ही जो है जूझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई भी इंस्टीट्यूट आपको बस लॉलीपॉप दे देगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि PW ने क्या क्या फीचर दिए, क्या PW की अच्छाई है, क्या PW की जो है थोड़ी कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं उनका बुरा है, क्या थोड़ी कमियां जिनको उन्हें सुधार लेना चाहिए। PW की सबसे पहले अच्छाइयां की बात कर ले, अच्छाई उनकी ये है कि उनके जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, उनके जो नोट्स हैं उनकी मैं तारीफ करता हूँ, काफ़ी मेहनत टीम करती है उसमें, और जो है काफ़ी जो है रिसर्च उसमें की जाती है PW के नोट्स पे, जो क्लास नोट्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे से मेहनत की जाती है, ऐसा मैं जो हूँ कह सकता हूँ। दूसरा चीज़ अगर ये माना जाए, PW के सारे टीचर्स जो हैं, मुझे जहाँ तक चूँकि टीचर्स पे कमेंट करने वाला कौन होता हूँ, क्योंकि ऑल द टीचर जो है बेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ टीचर से जो है आपका कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा, और ऐसा हर इंस्टीट्यूट में होता है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इसी इंस्टीट्यूट में है, मैं आपको बता दूं टीचर्स जो है इंस्टीट्यूट का सोचने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। दरअसल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये होते हैं IIT या JEE या NEET वाले स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर कोचिंग चलाना चाहे तो वो 3 टीचर को हायर कर ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, 4 टीचर हायर कर लो, और जो है आपकी IIT और NEET की कोचिंग चल जाएगी। लेकिन जब आप IAS की कोचिंग में आते हो तो यहाँ पे 20 से 25 सब्जेक्ट की स्पेशल टीम को आपको हायर करना पड़ेगा, टीचर्स को हायर करना पड़ेगा, और जब आप हायर करोगे तो उनको पैसे भी देने पड़ेंगे, और अगर आपको पैसे देने पड़ेंगे तो अगर अच्छा टीचर होगा तो पैसे ज़्यादा हायर करेगा, और अगर आप फीस कम लेते हो तो आपको जो है एक
मतलब कुछ थोड़ा कम लेवल का या जिसको थोड़ा अनुभव नहीं है उस टीचर को आपको हायर करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं मेहनत तो पूरी करेगा, और मैं नहीं कहता हूँ कि मेहनत पूरी करेगा, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं आपको जो क्वालिटी से जो है कंप्रोमाइज़ आपका हो जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, तो जब आप कम फीस लेते हो तो आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर जाते हो, यानी कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनका ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, अच्छा टीचर ढूंढ लेते हैं, और उसके बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनका मतलब बस चल रहा है, बस जो है ख़त्म हो जाएगा बैच, बस इतने से चल जाता है। तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी है कि PW का, अगर टीचर की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके PW पूरी कोशिश करता है अच्छे टीचर लाए जाएँ, और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनमें जो है क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया जाता है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब और सबसे बड़ी जो प्रैक्टिस है जो कुछ टीचर्स अपनाते हैं वो क्या है कि नोट को पढ़ने की प्रैक्टिस, अगर ये वीडियो जो है कोई देखेगा तो उसको भी पता होना चाहिए। दरअसल होता क्या है, ऑनलाइन क्लासों में टीचर्स क्या करते हैं, ऐसे लेंगे किताब, ऐसे ये किताब लेंगे और इसको जो है पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि ये लिखिए। अरे भैया मैं लेक्चर देखने आया हूँ, आप UPSC का लेक्चर चला रहे हो, मैं यहाँ पे नोट्स थोड़े ना पढ़ने आया हूँ। यदि नोट्स ही मुझे पढ़ने होते तो फिर नोट्स तो आप दे दोगे, मैं उससे पढ़ लूँगा, आप नोट्स क्यों नोट करवा रहे हो। मतलब फालतू की एक जो है बहुत ही इरिटेटिंग, बहुत ही मतलब घटिया पद्धति ये है, जिसको जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट देखते नहीं हैं, वो इस पर मेंटेन नहीं करते हैं कि आप जो है नोट्स को वहाँ पे टीचर पढ़वा रहे हो। नोट डिक्टेट करने के लिए मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आप IAS की कोचिंग ले रहे हो, नोट्स भैया हम पढ़ लेंगे जा करके, आप बस डिक्टेट कराइए, आप अपनी परफॉर्मेंस सिर्फ नोट में दीजिए। अब मैं देख रहा हूँ पूरी घंटे जो है बॉडी रंग में चला जा रहा है। अरे भैया नोट्स की तरीके से आपको पढ़ाना है, आपको थोड़े शब्दों का प्रयोग करना है बोर्ड पे, ये नहीं कि पूरी पूरी रामायण आप बोर्ड में लिखे जा रहे हो, दो घंटे बस गुजार रहे हो और अल्टीमेटली आपने बस जो है थोड़ा बहुत पढ़ाया पढ़ू या और जो है अल्टीमेटली बीच में छोड़कर चले गए, या फिर जो है आपने पूरा कोर्स ही नहीं ख़त्म कराया बस चले गए। तो ये जो है बहुत बड़ी समस्या है UPSC बैचेस की। तो PW का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने जो है मेन टीचर्स को अच्छा कर रखा है, और जो बाकी बचे हुए टीचर्स वो बस ओके है, और नोट्स PW के बेहतरीन हैं, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। PW का अगर ओवरऑल जो टीम सपोर्ट है उसका बात कर लिया जाए, तो PW का टीम सपोर्ट, अगर आप एक उनका चलता है PW 360, हालांकि जितने उन्होंने वादे किए थे उन वादों पे वो पूरी तरीके से खड़े नहीं उतरे हैं। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा था कि चैट जो है आपकी ली जाएंगी हाथों हाथ, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि टीचर जो है चैट ही को ब्लॉक कर देता है। अरे टीचर के पास ऐसी इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए कि वो जो इरिलेवेंट चैट हैं उनको अंडर एस्टिमेट कर पाए, उनको जो है ना देख पाए। आपको चैटों पे गुस्सा आने लगती है। अरे भैया मैं मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट आपको उल्टा सीधा कहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप चैट बंद कर दो। फिर आप कहते हो कि PYQ का डिस्कशन वहाँ पे किया जाएगा, फिर आप कहते हो मेंस के PYQ का डिस्कशन वहाँ पे किया जाएगा, और आप ऐसा वहाँ पे कहाँ कराते हो। अगर 20 टीचर हैं तो मैं कहता हूँ मात्र उसमें जो है 10% ही PYQ का डिस्कशन कराते हैं, 90% कोई PYQ का डिस्कशन वहाँ पे नहीं है। जो आपने बैच में लिख रखा है कि PYQ डिस्कशन होता है, घट्टा नहीं कि वहाँ पे कोई PYQ का डिस्कशन किया जाता है। मैं आपको बता दूँ, अब जो है PYQ का डिस्कशन नहीं, ना मेंस, ना प्री, ना कोई जो है एक्स्ट्रा क्लास जिसके लिए आप PYQ का डिस्कशन करें, जबकि PYQ कितने ज़रूरी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका कोई जो है डिस्कशन नहीं होता है, सब झूठे वादे उसमें जो है लिख के रख दिए जाते हैं। टीम की अब सपोर्ट की बात कर ली जाए, हालांकि मैंने जो है PW का 360, लेकिन आपने ये तो बाद में इंट्रोड्यूस किया है ना, जब पहला बैच आप लॉन्च किए थे तो आपने कहा था कि टीम का सपोर्ट आपको फ्री में मिलेगा, और मैं देखता हूँ कि मैंने जितनी बार भी टीम से सपोर्ट मांगा है उन्होंने सिर्फ मुझे तारीख पर तारीख दी है, उन्होंने चीज़ों को टाला है, और जो है वहाँ पे कोई भी समस्या का समाधान मेरी नहीं किया गया है। ऐसा मैं समाधान नहीं चाहता हूँ कि आज मैं कॉल करूँ और उसका समाधान एक महीने बाद आए, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। इस पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट बात करने के लिए ऐसा ना हो कि आपको हफ्ते लग रहे हैं, सैकड़ों हफ्ते लग रहे हैं तब आपकी बात हो रही है, और बात हो भी रही है तो उसका सोल्यूशन भी नहीं निकल रहा है, वो बस तारीख पर तारीख टाल रहे हैं, उनको मेल लिखिए तो मेल, ये क्या होता है, काल आज का ज़माना लगा है आप मेल करवा रहे हो, ये सब बकवास नहीं। दूसरा चीज़ ये कि अब जो है जैसे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट का देख लिया जाए, जो महंगे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जो लाखों में पैसे लेते हैं, चार्ज करते हैं, उनका क्या है, तो उनसे मेरा अब तक का पालना तो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प ली है, मैंने उनका कंटेंट देखा है, उनका कंटेंट जो है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का रहता है, और उनके जो टीचर्स हैं वो चाहते हैं कि बेहतरीन टीचर्स ही लाए जाएँ, क्योंकि उनका महंगा है तो टीचर्स अच्छे हायर किए जाते हैं, पैसा ज़रूर चार्ज किया जाता है, और जो है महंगे टीचर्स को लाया जाता है। अब अल्टीमेटली मैं आ जाता हूँ इस बात पे, क्या मुझे लाखों के साथ जाना चाहिए या जो है PW का अफोर्डेबल
जो कोर्स है उसको अपनाना चाहिए। अच्छा, PW का एक जो है, मैं यहाँ पे और एक चीज़ बताऊँ कि PW का मेरा जो सजेशन है, हालांकि मैं कौन होता सजेशन देने वाला, लेकिन एक स्टूडेंट हूँ और मुझे हक है उनका फीडबैक देने का, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा हुआ है, मैंने पे आउट किया है। दूसरा चीज़ ये कि PW फोकस कर रहा है डरा धड़ाधड़ बैच लॉन्च करने पर। ये बैच कल्चर आज का मैं देख रहा हूँ बहुत ख़तरनाक बन चुका है। आप एक बैच पर फोकस कीजिए, एक बैच पर, ना कि आप जो है सैकड़ों बैच लॉन्च कर दो, फिर आपका ना तो एक बैच पे ध्यान है ना 50 बैच पे ध्यान है, फिर आपको जो है टॉपर्स को पकड़ना पड़े, तो ऐसा ना आए नौबत। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बैच पे फोकस करना चाहिए। एक हिंदी निकाल लीजिए, एक इंग्लिश का निकाल लीजिए, एक इंग्लिश का निकाल लीजिए, एक बैच पे फोकस कीजिए। ये नहीं कि आप 50 बैच लॉन्च कर दिए हो सिर्फ किस चक्कर में कि जो है पैसा ज़्यादा है। इसी तरीके से जो है आपके कभी भी टॉपर्स नहीं निकल पाएंगे, और जो है इन फ्यूचर आपके निकल भी आएँ, क्योंकि टॉपर्स का मैं जानता हूँ वो कैसे लाए जाते हैं, ठीक है, और उसकी सच्चाई भलों आती सबको व्याप्त है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बैचेस कल्चर जो है इसको ख़त्म किया जाए, एक बैच पर फोकस कीजिए, पूरी मेहनत लगाइए, जी जान से हर वो फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कराइए जो उसको ज़रूरत हो, टीम सपोर्ट अच्छा बनाइए, और जो है टीचर्स में इंप्रूवमेंट कीजिए। मैं देखता हूँ टीचर की कोई कंप्लेन की जाती है, उसकी कोई सुनी नहीं जाती, टीचर वहाँ पर नोट को डिक्टेट कर रहा है। टीचर मतलब क्या बताया जाए, मतलब ऐसे व्यक्तियों को रख लिया जाता है, पता नहीं इंटरव्यू होता भी है नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मैंने काफ़ी समस्या फेस की हैं। अब मैं से आप अंत में आ चुका हूँ वीडियो की कड़ी में। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि भैया इसको जो है जो महंगी महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने पैसा इसके मुँह में भर दिया है, और जो है इसने जो है अपनी भड़ास उगल दी है। तो ऐसा नहीं है, पहले बात को सुनिए मेरी। अंत में मैं आ चुका हूँ और अब मैं कहूँगा अल्टीमेट सत्य जो है मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। क्या PW को ख़रीदना नहीं चाहिए, या PW ओनली IAS बुरा है, उसमें जो है अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है? तो मेरा अब तक का क्या कहना है, क्या सोच है मेरी। यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, लोअर क्लास फैमिली से आते हो, और आपके पास पैसों का मौका नहीं है, क्योंकि मैं वो शख्स हूँ जिसके पास लाखों का समस्या नहीं है, मतलब लाखों का जो है इंतज़ाम नहीं हो सकता है, और ना ही मेरे पास दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे जाने की बस की है। तो मेरे जैसे व्यक्ति को जिसने एक सपना देखा था और उसको अचीव कराने का जो लक्ष्य है वो किसी एक इंस्टीट्यूट ने लिया है, और वो जो है उसको पूरा कराने में दिन रात मेहनत करता है, क्योंकि उसके पास जो है मेहनत तो वो पूरी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ी सी कमी है जिसको अगर वो सुधार ले जाते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में टॉपर्स PW अवश्य निकालेगा। और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं जो सपना तक नहीं देख सकते हैं बनने का, PW से पहले देख सकते थे, आज उनको सपना देखने का और अचीव कराने का जो मादा है वो PW ने लिया है। हमारे जैसे व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, और ऐसे मैं क्या, मेरे से भी जो है गैर गुजरे व्यक्ति होंगे जो ऐसा नहीं सोच सकते हैं, लेकिन PW ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। और PW जैसा भी हो, लेकिन जो गरीब का सहारा है, यानी कि जो गांव का जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट पीपल है, उसका सहारा PW ही है। ये जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें के आप फीस देख लीजिए आप जो है भाग जाओगे, मतलब इतनी हाई फाई फीस जिसको आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, मतलब आप दूर से देख के ही दर्शन करके चले जाओगे। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है उसका भरोसा जो है वो PW है, और PW ही जो है जिसने जो है पूरी भारत को एजुकेशन को डेमोक्रेटिक बनाया, डेमोक्रेटाइजेशन किया, और ये विश्वास दिलाया कि इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में हर बच्चा जो है शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगर जो है PW इतनी कोशिश कर रहा है, उसने ऑनली IAS में भी बहुत सारी कोशिशें की हैं, थोड़ी सी कमियां हैं जिनको सुधार लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप PW का कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो आपको वैल्यू ऑफ द मनी मिलेगा, यानी कि आप इतना लाखों का तो पे नहीं कर रहे हो, आप कितना 7-8-9-10 हज़ार रुपये पे कर रहे हो, उतना तो आपको PW प्रोवाइड कर देता है, यानी कि आपका फाउंडेशन बन जाता है कि आप उसके बाद जो है आप बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप स्वयं से पढ़ सकते हो, आपको एक समझ होगी, आपको एक डायरेक्शन होगी, आपको एक गाइडेंस होगी। और PW इतना फ्री मटेरियल जो है, NCERT ले लो, प्रहार ले लो, दुनिया की जो है मैगजीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता रहता है, जो कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं प्रोवाइड किए हैं। लाखों का सपना देखने वाले जो लाखों की इतनी बड़ी बना के रखते हैं, उनका एक मिडिल क्लास बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है। मैं PW की तारीफ करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपको हो सकता है मेरा ये वीडियो बुरा लगा हो, या लेकिन मैंने इसमें कमियों को जो है आपको उजागर किया है। मेरा किसी भी प्रकार से PW को डिफेम करने का यहाँ पे जो है
नहीं था, मैं एज ए स्टूडेंट उसका फीडबैक बस दे रहा था। और PW मिडिल क्लास लोअर क्लास की उम्मीद है, और इस उम्मीद को मत तोड़िएगा, उनका सपोर्ट कीजिए यदि आप भी जो है हमारी तरह अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और यदि जो है मुझसे इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो जो है मैं PW टीम और समस्त टीचर्स से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा किसी प्रकार से उद्देश्य आपको जो है डिफेम करना नहीं था, मैं चाहता हूँ कि आप और आगे बढ़ें, और आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हमारे फीडबैक को लेंगे और फीडबैक को ध्यान से सुनेंगे। उम्मीद करता हूँ जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।